सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जैसे ये कोई भी आपके पास आईफोन है तो इसके आपको हार्डवेयर कैसे चेक करने के लिए कि यहाँ पे डिस्प्ले या फिर कुछ भी चीज़ चेंज हुई है, तो वो चेक करने के लिए मैं आज आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्रोम पर जाना है। देन क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड 3U टूल्स करके यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। देन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट लिंक शो हो रहा है इस पर आपको टैप करना है। देन टैप करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करना है ना, ऑल मेरा यहाँ पे अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड है। उसके बाद आपको अपना डिवाइस कनेक्ट करना है। ये रहा मेरा डिवाइस, इसे कनेक्ट करते हैं। तो डिवाइस कनेक्ट हो गया। देन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस एक बारी, जैसे मैंने ऑब्वियसली लास्ट टाइम कनेक्ट करा हुआ था तो इसलिए इसने मांगा नहीं। देन आपको अपना डिवाइस अनलॉक करने के बाद यहाँ पे एक ट्रस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे आपको ट्रस्ट पे करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे आप ओके करोगे तो आपको अपना डिवाइस मॉडल नंबर हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। देन यहाँ पे iOS वर्जन ये है, आईफोन 11 है। देन यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी शो होगी, वो IMEI सीरियल नंबर हर चीज़। अब इसके पार्ट्स को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर टच करनी है। व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर टच करने के बाद आपको यहाँ पे सारे अपने मॉडल नंबर, हर चीज़ का मॉडल नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये है डिवाइस मॉडल, और ये अगर देखो यहाँ पे जो भी टेस्ट रिजल्ट के अंदर यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहा है तो इसका मतलब सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि ये वाला होता है फैक्ट्री वैल्यू और ये होती है रीड वैल्यू। मतलब कि जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड कोई सा भी हार्डवेयर जो भी इसके अंदर डला हुआ होता है वो होते हैं ये वाले, और ये जो रीड वैल्यू होती है ये इससे मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच करती है तो फिर ये वाला नॉर्मल आता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी रेड कलर से एबनॉर्मल या फिर वो कुछ भी लिखा आता है तो वो आपका चेंज्ड है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, और यहाँ पे टेस्टिंग स्कोर भी देख रहे हो आप 98% है। तो और यहाँ पे चार्ज टाइम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 820 टाइम्स चार्ज करा हुआ है और बैटरी लाइफ भी यहाँ पे 84% है। तो इस चीज़ को आपको आप अपने फ़ोन की कोई भी चीज़ें चेक कर सकते हो कि चेंज हुई है कि नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।